हाय फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे आपको दिल्ली टू यूके हम कैसे गए ड्यूरिंग दिस कोविड और क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो सामने ये रहा इंटरनेशनल डिपार्चर, ये हमने आफ्टर बोर्डिंग पास ये डिपार्चर की तरफ बढ़ते गए ड्यूटी फ्री में। ड्यूटी फ्री के बाद हमने कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछे पाजी से, उनका कैसा रहा सफ़र। तो बने रहिए हमारे साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा फिर आपका? बढ़िया भाई, अच्छा चल रहा है और बाकी आगे का देखेंगे। अभी तक बहुत बढ़िया गया है। और जितनी आप टेंशन ले रहे थे ऐसा कुछ हुआ? टेंशन ज़्यादा था लेकिन मसला नहीं है उतना। उतना नहीं है, टेंशन ज़्यादा हो जाती है। तो हाँ जी भाई, ये रही हमारी फ़्लाइट वर्जिन अटलांटिक जो हमने करी दिल्ली टू यूके। और ये हम फ़्लाइट की तरफ बढ़ते गए, बहुत चलना पड़ता है फ़्लाइट तक जाने के लिए दिल्ली डिपार्चर से। तो आगे आप देखते रहिए हमारे साथ, देखिए। या इट्स 50K, 58K। या कांग्रेस साइड राइट। और भाई जैसे ही हम फ्लाइट में गए, जाके गई था कि चारों तरफ इंडियन ही इंडियन। इंडिया रेड लिस्ट होने के बाद भी इतने लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पूरे हम टोटली शॉक थे। हम तो स्टूडेंट थे इसलिए हमें जाना ज़रूरी था, बट बाकी लोगों की क्या ज़रूरी थी क्या मजबूरी थी समझ से परे है, इसलिए शायद इंडिया रेड लिस्ट में है। तो देखते हैं आगे कैसा रहा। ये क्रू कुछ समझाती हुई हमें पता नहीं क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही। और आगे चलते चलते हम आए अपनी सीट पे। ये रही हमारी सीट नंबर, सीट नंबर था 58K। मतलब हमने सेलेक्ट करी विंडो सीट क्योंकि बाहर के नज़ारे भी बहुत ज़रूरी है। इस स्क्रीन पे हमने देखा कि हमारा सफ़र दिल्ली से यूरोप कैसे रहा और फ़्लाइट कैसे कैसे किस उससे जाएगी। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, टाइम स्पीड सब कुछ दिखाती है, रूट वगैरह सब कुछ। तो थोड़ी देर मैं इसके संग देखता रहा, मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैप कैसे चलाना है कैसे नहीं चलाना, खेल रहा था मैं इसके साथ। थोड़ी देर बाद देखा बाहर, तो इतने में प्लेन हमारा हो चुका था, रनवे की तरफ हम बढ़ते रहे और देखते रहे कि हाँ क्या है, क्योंकि अच्छा एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट थी, मज़ा आ रहा था, इन्जॉय कर रहे थे। फ़्लाइट के बाद मैंने देखा रूट दोबारा अपना दिल्ली टू लंदन की, कैसे कैसे फ़्लाइट जाएगी, कौन कौन से देश पड़ेंगे, बीच में देखता रहा। उसके बाद मैंने देखा फ़्लाइट में काफ़ी अच्छा खासा स्पेस था, बराबर की सीट मेरे दोनों खाली थी ड्यू टू कोविड, और लैग स्पेस भी अच्छा था। लोग कहते हैं अच्छा स्पेस नहीं होता, बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसका। और बाहर के मैं देख रहा था, बाहर मौसम थोड़ा बिगड़ रहा था और इतनी देर में ही हमने सुनाई थी क्रू की अनाउंसमेंट जो कि थी कि थोड़ी टर्बुलेंस वगैरह रहेगी। तो आप सुनिए।
जैसे टर्बुलेंस ख़त्म हुआ, हमारा हुआ मील का टाइम, और फर्स्ट मील हमारी आई, ये मेरे फेवरेट शो के साथ मैं मील देख रहा था, अपनी मील आई हमारी वेजिटेरियन मील। इसको खोलने की कोशिश करी बट मेरे एक हाथ में जैसे कैमरा था, मेरे दूसरे हाथ से मेरे से ये मील खुली नहीं रही थी। फिर थोड़ा कोशिश करने बाद मेरे से मील खोली मैंने, और खोल के देखा तो उसमें वेजिटेरियन फूड था, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसमें ये तो भाई चावल आया था, साथ में दाल के संग मिक्स था, एक फ्लेवर कर्ड, और साथ में बिस्किट। बिस्किट कौन खाता है मील में ये मुझे पता नहीं। और ये हमें बीच में रास्ते मिली एरियल सी, ये बहुत सुंदर था, मैंने सोचा इसका शॉट लिया जाए। शॉट के बाद जैसे मैंने आपको स्क्रीन में दिखाया, स्क्रीन में दिखने में बड़ा प्यार लग रहा था, पर जैसे ही मैंने बाहर देखा विंडो के, ये उससे बहुत ज़्यादा सुंदर था। देखिए पता नहीं कैमरे में आपको क्वालिटी कैसी दिख रही है क्या, बट जो लाइव एक्सपीरियंस होता है वो बेस्ट था, बहुत सुंदर था ये एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारा सेकंड मील का टाइम हुआ, सेकंड मील हमारी आई आफ्टर कुछ टाइम, और ये था एक आइसक्रीम, एक वेज पैटी करके, या एन साथ में जो आपकी चॉइस है। हम मैंने ली थी कॉफ़ी, उसके बाद तो हम चलते गए। और फाइनली आफ्टर 8 घंटे के बाद हमने देखा, ऊपर से हमें लंदन दिख रहा था, जैसे कि आप सब भी देख सकते हैं, वो रहा लंदन ब्रिज, थेम्स नीचे है, ऊपर वो रहा लंदन आई। अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ आप सबको, बहुत सुंदर था। देखिए ये हो हमारा प्लेन लैंड। आफ्टर लैंडिंग के बाद हम गए टर्मिनल 2 पे, बहुत चलना पड़ा हमें, और इमिग्रेशन में ऑलमोस्ट हमें 4 to 5 आवर लग गए थे, क्योंकि बहुत रश था, क्योंकि हम ऑलरेडी रेड लिस्ट कंडीशन से ट्रैवल कर रहे थे, तो बहुत लोग थे, और वो लोग प्रॉपर सिक्योरिटी चेक वगैरह ये सब बहुत अच्छा हिसाब था उनका अपना। और जैसे ही हमने अराइवल से हम बाहर निकले, देखा लंदन का एयरपोर्ट, और बाहर ये कुछ इंडियन थे, इन्होंने हमारे लोग बनाए, क्योंकि हमें होटल जाना था, होटल के लिए हमारी एक प्रॉपर बस थी, जिस बस में है ये लोग हमें ले जाते। और जैसा कि आप एक्सपेक्ट करते हैं, पता नहीं आप करते नहीं करते, ये भाई साहब देखिए पपियाँ झपियाँ चल रही हैं इनकी, आराम से कोई टाइम। और हम गए आगे बाहर निकले, ये हम आ गए बाहर एयरपोर्ट से, ये रहे हमारे पाजी आगे चल रहे हैं हमारे, और उनके आगे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो हमें ले जा रहा है बस की तरफ, क्योंकि हमें ट्रैवल करना था बस से हमारे होटल के लिए। और ये हम बस में आए, बस बहुत सुंदर थी, इंडिया के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी थी, अच्छी वेल मेंटेन, सोशल डिस्टेंसिंग सब कुछ था बस में, प्रॉपर थी। और बाहर के जैसे कि फर्स्ट टाइम हमारा लंदन है, तो अलग ही एक्साइटमेंट थी, अलग ही मज़ा आ रहा था देख के, अलग था सब कुछ, नया एक्सपीरियंस था। देखिए आप सब भी